बद्यातम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मिल्क पाउडर्स के बारे में जानेंगे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि सबसे अच्छा दूध कौन सा होता है जो सीधी गौशाला से मेरे घर में आ जाए, लेकिन ये दशक, ये युग हम खो चुके हैं। 1960-70 के दशक में हर घर के अंदर गायें होती थी। जब 90 का दशक आया तो हमारे मोहल्ले के एंड में डेयरी खुलनी शुरू हुई, घर से गायें निकलनी शुरू हो गई। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं, वहां पर कुछ गांव हैं जहां पर कुछ गाय या भैंसे हो सकती हैं जिनसे दूध बनता हो। शहरों के अंदर गौशालाओं को हमने खत्म कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब पास की गौशाला से दूध नहीं आ पाएगा तो दूध किस फॉर्म में आएगा? या तो आप उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल मिला के छोटे छोटे कैन में, डब्बों में बंद करके देंगे, या फिर आप बनाएंगे मिल्क पाउडर्स। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव केमिकल वाला दूध आप कितना पी लेंगे। वैसे तो जितना दूध आज आपके घर के अंदर आ रहा है वो सारा नकली है, उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डाले हुए हैं और वो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब वो आपको सीधे तौर पे नहीं बताया जा रहा, लेकिन अगर पाउडर्स के फॉर्म के अंदर दूध अगर हमारे घर में आता है तो हमें ये समझना होगा वो हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है, उसको आज इस वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चार तरह के मिल्क पाउडर्स हैं, इससे एक सोर्स और जोड़ लीजिए, मैं आपको सारे सोर्सेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि जो दूध था जो गौशाला से प्योर आ रहा था, उसकी जगह अगर हम अपने बच्चों को पाउडर पिलाते हैं दूध का, तो क्या वो बच्चों को नुकसान करेगा या फायदा करेगा? तो सीधी सी बात समझिए कि अगर आपके घर के अंदर मिलावटी, आपको पता है सिंथेटिक एडल्ट्रेटेड दूध आ रहा है जिसमें प्रिजर्वेटिव फॉर्मुलिन डालकर दिया जा रहा है, जो कि 99% अभी दूध जो शहरों में जा रहा है उस दूध की यही हालत है कि उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डाले जा रहे हैं और वो सिंथेटिक मिल्क के साथ एडल्ट्रेशन करके ही बनाया जा रहा है। इसका क्या तथ्य है? इसका तथ्य सबसे बड़ा फैक्ट जो है वो ये है कि WHO की खुद की रिपोर्ट के अनुसार 14 करोड़ लीटर हमारे देश में दूध बनता है, लेकिन बिकता कितना है? 64 करोड़ लीटर। तो 50 करोड़ लीटर दूध, 14 करोड़ अगर बन रहा है और 50 करोड़ उसमें एडिशन हो रहा है, तो खुद समझ लीजिए कि आपके बच्चों के पास में जो दूध पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। तो जो ये मिलावटी दूध आ रहा है, ये मिलावटी दूध आपके लिक्विड के फॉर्म में आ जाए या पाउडर के फॉर्म में आ जाए, जहर है। चाहे आप ऐसे पिला लो चाहे ऐसे पिला लो, उसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं होने वाला। जो माँ अपने बच्चे को पहले 6 महीने में दूध नहीं बनाकर दे पा रही है, खुद अपना दूध नहीं बना पा रही है, वो जो डब्बे वाला दूध पिला रही है उससे बच्चे का पेट भरा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर हर रोज स्लो पॉइजन जो है वो हम डाल रहे हैं। ये बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। और अगर वो डब्बे वाला दूध पाउडर के फॉर्म में ना हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, तब भी वो सेम पॉइजन रहने वाला है। तो जब पॉइजन है तो उसके अंदर आप डिस्टिंग्विश ज्यादा नहीं कर सकते। बात करते हैं अगर शुद्ध चीज के मुकाबले, अगर आपके घर के पास में, कुछ घर में कहीं ऐसी व्यवस्था हो जहां पास में गौशाला से शुद्ध दूध आ रहा हो और उस दूध से पाउडर बनाकर दे दिया जाए, तो उनमें कितना डिफरेंस है ये अपने को समझना है। शुद्ध दूध जो गाय से, थन से निकला, सीधा मुझ तक चला गया, पहले होता था गाँव में, अब तो होता नहीं, तो उसकी पावर मानिए 100%। अगर वो देसी गाय का दूध हमने बाल्टी में निकाला, बाल्टी में निकालने के बाद में हमारे पास में कच्चा आया जिसको घर में हमने उबाला, उबालने के बाद में हमने ठंडा करा और पिया, तो इसकी पावर मानिए तकरीबन 95% या 90%। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से बर्तन में या पात्रों में उसको उबाला है। अगर मिट्टी के पात्र में उसको उबालोगे तो 100% तक न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी। अगर एल्यूमिनियम के पात्रों में उबाल लोगे तो 85% से 80% या 70% तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू गिर सकती है। ये मेटल है, धातु विज्ञान है। अगर उस मिल्क का जो शुद्ध दूध हमारे घर में आना था, अगर उसका हमने पाउडर बना दिया, तो उसकी ताकत घट के 70% हो जाएगी। मतलब ताकत घटेगी 30%, लेकिन अगर उस पाउडर को बनाते वक्त कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले गए, तो उस पाउडर के अंदर टॉक्सिन नहीं जाएगा। तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब होगा। जिन लोगों को लगता है कि मेरे घर के अंदर एक दूध है जो मुझे लगता है या जो मुझे बताया जाता है शुद्ध है, क्या उसके मुकाबले पाउडर देना ठीक रहेगा? पाउडर देना ठीक तब रहेगा जब पाउडर अच्छी गौशाला से शुद्ध आया हो, तब तो वो आपके मार्केट में घर में आने वाले लिक्विड दूध से भी बेहतर है। लेकिन अगर मेरे आसपास कहीं गौशाला है जहां से शुद्ध दूध आ सकता है, तो शुद्ध दूध की कीमत आप समझिए 90% से 95% है और पाउडर की पावर 70% है। पाउडर दिया क्यों जाता है ये तो आप जान ही गए, क्योंकि पास में गौशाला नहीं रहेगी। अगर दूर से कहीं से आएगा तो पाउडर फॉर्म में ही आ सकता है, क्योंकि पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल की हो जाएगी। जो दूध 2 दिन के अंदर खराब हो सकता है वो 1 साल तक खराब नहीं होगा अगर पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए। तो इससे विज हमने आपको कंपेरिजन दिया कि पाउडर का इस्तेमाल जो है वो किन, अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल दूध आ रहा है अगर उसकी जगह हम पाउडर पर शिफ्ट होते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू का 20-30% का लॉस होता है, लेकिन कम से कम आपके बच्चों को नुकसान नहीं करेगा और नकली दूध नहीं जाएगा अगर ओरिजिनल पाउडर दूध से, ओरिजिनल पाउडर जो है वो बनाया जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि
पाउडर्स जो है, जो हमारे पास में मिल्क पाउडर्स है, वो कितनी तरह के अवेलेबल होते हैं और कौन से पाउडर को या मिल्क पाउडर को किस श्रेणी में कब हमें देना चाहिए। अब हम समझते हैं कि मिल्क पाउडर्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं और किस किस कंडीशन में हमें कौन सा मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर शुद्ध दूध हमारे हाथ में लग जाए, जो कि वाक्षी कोशिश कर रही है कि बिल्कुल शुद्ध दूध कहीं से अगर निकलता हो, वहां से शुद्ध क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, बिना कोई एडिटिव, बिना कोई प्रिजर्वेटिव, बिना कोई कलर या फ्लेवर डाले हुए अगर पाउडर्स आ जाएं, तो कैसे आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं या वो मदद कर सकते हैं। सबसे पहले देसी गाय के दूध का पाउडर। तो अगर गौशाला है, गिर गाय की गौशाला है, गुजरात के अंदर है, वहां से दूध आपके पास सीधा नहीं पहुंच सकता। आप कहीं बंगाल में रहते हैं, आप कहीं कलकत्ता में रहते हैं, तो गुजरात से कलकत्ता पहुंचाने का तरीका क्या है? पाउडर के फॉर्म में। अब ये पाउडर बनता कैसे है उसको समझिए। मिल्क को जो है वो लिया जाएगा बॉटल के अंदर, एक मशीन होती है जिसमें गर्म हवा लगातार चलती रहती है, इसके ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है। तो जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, दूध में दो चीजें हैं, एक पानी है और एक इसके अंदर मिल्क सॉलिड है। तो जैसे ही आप उसके अंदर गर्म हवा में डालेंगे तो गर्म हवा के अंदर तकरीबन टेम्परेचर मानिए 100 से 110 डिग्री के बीच में तकरीबन रहेगा। तो उसके बीच में क्या होगा, पानी उड़ जाएगा और पाउडर फॉर्म में मिल्क पाउडर नीचे गिर गया। अब इसी प्रक्रिया के अंदर जो 30% का न्यूट्रिशन लॉस है, क्योंकि 110 डिग्री की हवा से जब आप उसको निकालेंगे तो तकरीबन 20-25% का न्यूट्रिशनल लॉस होगा। आपके घर के अंदर जो गैस के ऊपर आप गर्म करते हैं तो 90 डिग्री या 95 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है, वो 110-120 तक डिग्री तक अगर चला जाता है तो न्यूट्रिशन लॉस थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि क्योंकि केमिकल्स और एडिटिव्स नहीं डले हुए, इसलिए बच्चों को नुकसान नहीं करता, नकली दूध नहीं है। 20-30% का लॉस होने के बाद कम से कम 70% तो बच्चों को ताकत मिली। ये देसी गाय का दूध उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनके बच्चों तक देसी गाय का शुद्ध दूध जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं पहुंच पा रहा। और दूसरी बात, जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं बनाकर दे पा रही है पहले 6 महीने में, तब कहा गया है अगर हमारी माँ जो है दूध नहीं बना पाती है तो देसी गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। ये दूध वहां पर अगर बच्चा हजम करने लग जाए तो बच्चे को हम डब्बे वाले दूध से बचा पाएंगे जिसमें केमिकल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है। तो ये देसी गाय का जो दूध है ये वहां पर इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत तकरीबन 80 रुपए लीटर के आसपास पड़ती है दूध की। पाउडर को जब हम मिल्क में घोल कर पीते हैं तो अंदाजा 80 से 90 रुपए लीटर तक इसकी कीमत आती है। तो ये हुआ सबसे पहले देसी गाय का दूध। अब इसके बाद में आता है कैमल मिल्क पाउडर। अब ऊंटनी के दूध का पाउडर किस लिए हमारे लिए जरूरी होता है? अगर बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, लैक्टोज इंटॉलरेंस आजकल जो है नया शब्द आ गया है, ग्लूटेन एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो गेहूं हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता था वही अब हमारे लिए अभिशाप बन रहा है, कई लोग उसको हजम ही नहीं कर पाते। और लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो दूध हमारे शरीर के अंदर ताकत देता था, कई लोग उस दूध को हजम नहीं कर पाते। अगर ऐसा केस होता है तो देसी गाय का दूध वो हजम नहीं कर पाएंगे बच्चे, ये पीते ही उनके पेट के अंदर गैस बननी शुरू हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर आपको ऊंटनी के दूध का पाउडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊंटनी का दूध आ नहीं सकता क्योंकि राजस्थान में है, तो पाउडर है, पाउडर बनने की प्रक्रिया वही रहेगी जो हमने आपको पहले बताई। लेकिन कैमल मिल्क का पाउडर जो है उनको दिया जा सकता है, इससे आप बच्चे तक वो 70% का न्यूट्रिशन बिना किसी टॉक्सिन के पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को डायबिटीज बहुत ज्यादा हो, जिसको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ रही हो, वहां पर भी कैमल मिल्क पाउडर जो है दिया जा सकता है। ये नेचुरल इंसुलिन का अल्टरनेटिव होता है और इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है। अगर कोई इंसान ट्राई करना चाहे कि इंसुलिन की जगह पे मैं कैमल मिल्क पाउडर के ऊपर थोड़ा शिफ्ट हूं, हल्का महंगा जरूर पड़ता है लेकिन इंसुलिन भी उतने की आती है अगर पूरे साल में आगे बढ़ती रही दवाइयां, तो कैमल मिल्क पाउडर को ऐसा इंसान ट्राई कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों को बौद्धिक रूप से, जो बच्चे जो है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, जहां पर आपको लगता है ऑटिज्म हो गया या इस तरह के कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि पहले भी हमने वीडियोस हैं इस तरह की, वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे, जैसे आपने फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, जहां पर बौद्धिक क्षमता बच्चों की ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पर ऊंटनी के दूध का पाउडर अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता है। अगर उम्र 21 साल से कम है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बल्कि 8-9 साल के अंदर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके बाद में जो बच्चों की हाइट कम रहती है, आपको लगता है कि बच्चों की हाइट हमें तेजी से बढ़ानी है, तब भी ऊंटनी के दूध का पाउडर जो है वो अत्यंत लाभकारी हो सकता है। उसकी भी हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो देंगे कि किस तरह से इसको मिश्री अश्वगंधा के साथ में मिक्स करके लिया जाए जिससे ये हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सके। अब इसके बाद में आते हैं बकरी के दूध का। बकरी का दूध जो है वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। किस केस में लाभदायक होता है? जैसे आप जानते हैं अगर हमें डेंगू हो जाए या प्लेटलेट्स शरीर के गिरने लग जाएं, उस समय पे बकरी का दूध बहुत ज्यादा लाभदायक है।
तो शुद्ध एकदम ताजा बकरी का दूध तो पास से कहीं आ नहीं सकता, इसीलिए पाउडर फॉर्म में जो है इसको डिजाइन किया जाता है बिना एडेड फ्लेवर के। तो वही बात आती है, 70% तक आप इसकी ताकत मानिए, लेकिन टॉक्सिन ना होने के कारण शरीर के लिए लाभदायक है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, देसी गाय का दूध हजम नहीं होता, उन्हें बकरी का दूध भी हजम हो जाता है, ये इसकी खास बात है। तो कैल्शियम से भरपूर होता है, शरीर के लिए ज्यादा ताकतवर होता है बकरी का दूध, तो ऐसे में बच्चों को पिलाया जा सकता है। तो देसी गाय का दूध अगर किसी को सूट नहीं करता तो ऊंटनी और बकरी का दूध इसलिए सूट करने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। और इसके बाद में जो हमारे पास में आता है वो होता है वीगन, वीगन श्रेणी। कोई लोग कहते हैं कि हमें पशुओं से निकला दूध ही नहीं चाहिए, उनके कारण जो है सही हो सकते हैं गलत हो सकते हैं। अगर उनको वीगन दूध चाहिए होता है तब जाकर आपको कोकोनट मिल्क और एलमंड मिल्क, एलमंड मिल्क वाक्षी के पास में अभी तक आया नहीं जिसके ऊपर भरोसा करके हम आपको कह सकें कि एलमंड मिल्क आप ले लो बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल का, लेकिन कोकोनट मिल्क पाउडर ऐसा आ चुका है जिसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स को डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नारियल जो है, नारियल से जब नारियल के अंदर की जो मलाई होती है जब उसको प्रेस करेंगे तो नारियल का दूध निकलेगा, उस दूध को स्प्रे ड्राई कर दोगे तो दूध का पाउडर आ गया। इसमें पानी घोलकर अगर हम देते हैं तो शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पहुंच सकते हैं। तो देसी गाय के दूध का पाउडर, बकरी के दूध का पाउडर, ऊंटनी के दूध का पाउडर और कोकोनट मिल्क पाउडर जो है, ये चार चीज़ें अवेलेबल रहती हैं जिनका इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो बच्चों तक अच्छे विटामिन मिनरल्स पहुंचाए जा सकते हैं। हमें सोचने का तरीका थोड़ा अच्छा ऐसा भी करना चाहिए, जैसे नारियल का दूध है ये तो एक बहुत अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, ड्राई फ्रूट की चटनी का शेक जो है वो भी दूध के समान वीगन मिल्क के तरीके से काम करता है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम बहुत बार हमने प्रचार किया है। ड्राई फ्रूट्स को भिगो दीजिए और उनको अगर ग्राइंड कर देंगे तो चटनी बनेगी, थोड़ा पानी डाल दीजिए, घुमा दीजिए तो शेक बनेगा। ये भी आपका ड्राई फ्रूट शेक जो है ये वीगन मिल्क के तौर पर लिया जा सकता है। बहुत लोग कहेंगे कि सोया मिल्क को प्रमोट नहीं करते, सोया मिल्क जो है वो कंट्रोवर्शियल है इसीलिए उसको प्रमोट नहीं किया जाता। तो जो श्रेणियां मैंने आपको मिल्क पाउडर्स की बताई है इसका इस्तेमाल करके बच्चों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है, ये इसकी खास बात है। तो आपको जो हमने बताया कि किस पाउडर के साथ में कितना नुकसान और कितना भला है वो चीज़ हमने आपको बताई है। नुकसान इसके साथ होने के चांसेस, अगर सोर्स नेचुरल है तो नुकसान नहीं करेगा, हाँ फायदा जो नेचुरल दूध होता है उसके मुकाबले थोड़ा कम इनमें पाउडर्स में ज़रूर होता है। शेल्फ लाइफ अच्छे होने के कारण आप इन्हें अपने घर में आसानी से स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो जानकारी हम मिल्क पाउडर्स के फॉर्म में आपको देना चाहते थे ये आपके लिए लाभदायक रही होगी। बहुत सारे हमारे बेनिफिशरीज हैं जिनका ये कंसर्न रहता है कि वाक्षी से जो अपडेट्स आते हैं वो प्रॉपर नहीं आ पाते, तो क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आपसे हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया करेंगे। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को, इनमें से 3-4 लिंक्स होंगे, इनमें से किसी को भी अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वाक्षी के द्वारा दी गई हर रोज ऐसी अवेयरनेस इंफॉर्मेशन आपके पास में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया इसे जरूर ज्वाइन करें ताकि वाक्षी से आने वाली हर अपडेट का आपको जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।